Yo, 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 anime lovers, 1044 bitches, last chapter के 2 हफ्ते बाद ये chapter आया है, क्या ये 2 हफ्ता worth था ये chapter के लिए, बताएगा मैं अपना opinion, but सबसे पहले, I want to say something to the guys जो video के comment में spoilers भरते हैं, अबे चूतिया हो क्या तुम, मतलब जबान और हाथ है तो हकते ही रहोगे क्या भाई। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था, पता है कि स्पॉइलर मत देना, बट नहीं भाई, इंस्टा में आके हगा है भाई लोगों ने, डिस्कॉर्ड में हगा है, यूट्यूब में तो हकते ही हैं, लाइफ में हगा है भाई, और उसमें भी पता है एटीट्यूड दिखा रहे कि भाई देख देख बोला था ना मैं लूफी का फ्रूट ऐसा है वैसा है। अबे नाबालिग छात्र, शांत रहना सीखो भाई। इस वीडियो के नीचे जितना बोलना है 1044 के बारे में बोलो, कोई टेंशन नहीं है, बट स्पॉइलर क्यों देना दूसरे वीडियोस में, 2-3 दिन रुका नहीं जाता क्या तुमसे? और ओहारा जैसे चुमत मारी के भाई लोग, छी भाई, मतलब थंबनेल में दे दिया भाई मस्त स्पॉइलर भाई, चैप्टर आया नहीं है बट लूफी का फॉर्म दिखा देना है सबको, गवार गेंद लोग। एनीवेज ये पूरा मेरा फ्रस्ट्रेशन था और ये निकालना मेरे लिए ज़रूरी था और मैंने निकाल लिया। इंट्रो देखो फिर तुमको वापस से कूल लवर का ओपिनियन सुनने मिलेगा, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमको लगता है कि इस चैप्टर के बारे में मैं हद से ज़्यादा तारीफ करने वाला है और इस चैप्टर को बेस्ट बोलने वाला है तो तुम गलत हो, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को अभी बेस्ट बोला ही नहीं जा सकता है। द रीज़न इज़ कि ये चैप्टर एक फुल ऑफ कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, बड़े बड़े चीज़ें रिवील हुई है इस चैप्टर में, बट सब के सब का जो एक्सप्लेनेशन है वो इनकम्प्लीट है। तो जो आने वाले चैप्टर्स है ना वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये वाला चैप्टर एक्चुअली में बेस्ट है कि ये एक टाइम पास चैप्टर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ये चैप्टर अच्छा नहीं लगा या फिर टाइम पास लगा, नहीं ऐसा नहीं है। चैप्टर बढ़िया था लेकिन सिर्फ इस चैप्टर को रीड करके मैं बोल नहीं सकता कि ये चैप्टर बहुत ग्रेट था बेस्ट था, नहीं। लूफी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में बात करने से पहले मैं ओरोची हियोरी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आई थिंक कि हियोरी ओरोची का कन्वर्सेशन वॉज इंपॉर्टेंट एंड आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल माई ओपिनियन रिगार्डिंग दैट शिट। And guys, yes, it finally happened. Orochi Dogla most likely मर रहा है। अब अगर तुमने मांगा पहले से ढंग से रीड किया है तो तुमको याद हो कि Orochi के टोटल 8 सिर थे और Orochi के 6 सिर हैं, उसको Akazuyas ने काट दिया था, 1 सिर उसका Kaido ने काट दिया था। तो what I think is कि Orochi के पास एक ही लाइफ बचा था और अब Orochi जल रहा है, तो आई गेस Orochi अब परमानेंटली मर जाएगा एंड आई एम हैप्पी विथ दिस। रियली नल्ला Orochi मर रहा है मस्त, सैटिस्फाइंग डेथ यस। एंड Hiyori-chan एकदम रो दी भाई, भाई आंसू है वासू है, बट दैट पैनल लुक्ड ग्रेट। Orochi Dogla एक्चुअली पता है डिजर्व्स दिस डेथ, पता है मतलब ब्र लौंडा Hiyori को बोल रहा था कि रिवेंज नहीं लेना चाहिए, भाई इतना आयरनी का है Orochi, खुद Kozuki को रिवेंज के चक्कर में ख़त्म कर दिए और 40 में फॉरगिव करने बोल रहे, वाह भाई सही है। लेकिन Orochi साहब एंड तक दोगले रहे एंड यस दैट थिंग इज़ गुड, क्योंकि भाई दोगले इंसान को मरते हुए देखना अच्छा लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग रिवील, मतलब भाई गमो गमो नो हितो हितो नो निकला, ठीक है बट ठीक है व्हाट द फक, बट ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दैट। लूफीज फ्रूट इज एक्चुअली हितो हितो नोमी मॉडल निका, अ मिथिकल जवान फ्रूट। एक्चुअली मैं चाहता था कि ये ना हो बट ठीक है, ओडा का डिसीजन है। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि दिस चैप्टर इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि अगर लूफी का फ्रूट गोमो गोमो नोमी नहीं है तो फिर लूफी रबर पावर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? गोरोसेस के अकॉर्डिंग इस फ्रूट के यूज़र पर रबर के पावर्स है। आई वॉन्ट टू नो वाई, क्यों इस गॉड फ्रूट की वजह से यूज़र रबर की पावर्स यूज़ कर सकता है? लेकिन एक जो चीज़ अपने को दिमाग पर रखना चाहिए वो ये है कि लूफी ने अपने फ्रूट को अवेकनिंग नहीं किया है। यस अब तुम बोलोगे भाई वहाँ पे तो उसने अवेकनिंग वाला फॉर्म दिखाया भाई, ऐसे रबर उठाया है भाई, मतलब देखो वैसे तो जोवान्स की अवेकनिंग इतना क्लियरली नहीं पता है अपने को, बट ये जो रबर उठाया है ना लूफी ने, ज़मीन को रबर बनाया, ये चीज़ जो हमको दिखा है इस चैप्टर में उसको देख के पता चल रहा है कि लूफी को खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है भाई, उसके साथ क्या हो रहा है उसको खुद पता नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो बस हंसे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लूफी ने अवेकनिंग किया ही नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग हमने जितना देखा है आज तक कोई भी फ्रूट का हो वो यूज़र विलिंगली करता है, खुद से करता है, ठीक है, बट अवेकनिंग तो हुआ है राइट, क्योंकि भाई जैसे मैंने बोला रबर उठाया वाला सीन, तो कैसे मतलब तुम बोलोगे भाई तू अभी बोला अवेकनिंग नहीं हुआ है बोल रहा फिर बोल रहा है अवेकनिंग हुआ है, अरे सुनो मैं तुमको समझाता है ठीक है। हो सकता है कि तुमने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ही नहीं दिया है, जो कि ये है कि जोवान फ्रूट्स का खुद का विल होता है,
ये चीज़ खुद एक गोरोसे ने बोला है, अमिताभ बच्चन वाले गोरोसे ने। इसका मतलब ये है कि लूफी के हारने के बाद अब जाके लूफी के फ्रूट को लगा कि चलो नाउ इट इज़ द टाइम टू अवेकन, एंड बूम द फ्रूट इज़ अवेकन नाउ, एंड दिस टेल्स अस कि लूफी ने अवेकनिंग नहीं किया है। समझे, लूफी अवेकनिंग नहीं किया बट लूफी का फ्रूट अवेकन ज़रूर हुआ है। समझे, अब ये क्यों सबसे ज़्यादा रिडिकुलस पावर है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लूफी के बस फिजिकल पावर्स को एनहांस होते हुए देखा है इस चैप्टर में आफ्टर दिस अवेकनिंग। और जो गोरोसेज ने अवेकनिंग का एक और चीज़ बोला है कि वो यूज़र को और ज़्यादा फ्री कर देता है, उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है मुझे जानना है, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं रखा है ओडा ने। एंड यस, गियर 5 इज हियर बिच। वानों में कितना पावर अप मिलेगा भाई लूफी को पता नहीं। गियर 5 मेरे को लेम लगा देखने में, एक्चुअली बता दे रहा हूँ मैं, मतलब मुझे गियर 5 इतना खास नहीं लगा देखने में, आगे चल के शायद पसंद आ जाए बट अभी तो टाइम पास लग रहा देख के। बट हाँ, जैसे लूफी ने खुद बोला दिस इज हिज पीक गियर 5th। वैसे जो मैंने पहले सोचा था रिगार्डिंग गियर 5th कि गियर 5th में शायद लूफी अवेकनिंग को यूज़ करेगा, वो सच हुआ, बट मैंने ये भी बोला था कि वो शायद फाइनल वॉर में होगा और ये तो अभी ही हो गया, तो मैं गलत भी साबित हुआ। एक और चीज़ मुझे जानना है कि लूफी के वापस उठने से जुनेशा को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनाई दिया, ठीक है, बट सबको कैसे सुनाई दिया और क्यों सुनाई दिया? मतलब सांजी उठ गया उस चीज़ को सुन के, किड लो नामी मार्को तामा, सबको वो चीज़ सुन के पता चल गया कि लूफी इज़ अलाइव। आई वॉन्ट टू नो हाउ। मुझे पता है कि वो डम 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 आवाज़ सुनने मिला है अपने को, मतलब उनको सबको, बट भाई लूफी से ही वो आवाज़ आ रहा है, वो कैसे पता चला? आई गेस दैट वॉज बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी। और भाई लूफी का कॉन्करर था कि लीक होते हुए दिखाया बे भाई, मतलब रूफटॉप से नीचे आया भी नहीं वो, लेकिन लाइफ फ्लोर में काइडो के ट्रूप्स बेहोश हो गए उससे। ही इज क्रेजी स्ट्रॉन्ग नाउ। बट क्या ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है? मुझे थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगा, एकदम जोरो किंग वाले फाइट जैसा। उसमें भी भाई जोरो आउट ऑफ नोवेयर इन्फ्यूजन करके किंग को एक बार में हरा दिया, और इधर भी वही हो रहा है, बट आई गेस इधर जवान फ्रू का खुद का विल होता है ये चीज़ बोल के इस प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सकता है। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट लूफीज फ्रूट, एंड येस आई लाइक हाउ लूफी ने काइडो को पकड़ के सांप जैसे पटक पटक के मारा है भाई। मतलब काइडो एकदम सांप जैसा लग रहा था, एंड वो चीज़ मेरे को बहुत सेक्सी लगा पता है। एंड आई एम नॉट श्योर बट मैंने सुना है कि ये पूरा चैप्टर ओडा ने खुद से ड्रॉ किया है, तो अगर ऐसा है तो आई हैव टू से कि ओडा ने बहुत सुंदर ड्रॉ किया है इस चैप्टर को। पैनल्स आर लुकिंग क्रेजी गुड, मतलब भाई बहुत बढ़िया आर्ट स्टाइल है इस चैप्टर पे, मतलब बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉन है ये चैप्टर। टॉम एंड जेरी वाले जो इफेक्ट्स ओडा ने यूज़ किया है लूफी और काइडो के लिए, आई नो उसके पीछे एक तगड़ा रीज़न होगा, आई मीन अवेकनिंग के बाद ही ये हरकत होते हुए दिखा अपने को, इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ कोइंसिडेंस। वैसे इस फ्रूट की अवेकनिंग खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आई मीन वैसे तो ये फ्रूट मिथिकल जवान फ्रूट है, बट लूफी को हमने अपने सराउंडिंग को रबर बनाते हुए देखा है भाई, ज़मीन को रबर बना के उसने काइडो के बोरो ब्रेथ को उसी के ऊपर वापस रिकोशे कर दिया, जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि लूफी को खुद नहीं पता चल रहा कि उसने क्या किया, वो बस फ्लो में हरकतें करे जा रहा है। और गोरोसेस ने क्या लिमिटेड इमेजिनेशन शिट बोला है, मतलब मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आया, दैट थिंग इज़ वेरी 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 अनक्लियर पता है। एंड वाई द फक इज़ लूफी लाफिंग सो मच भाई, बहुत कन्फ्यूजन है इस फ्रूट को लेके। वॉट आई थिंक इसकी ये फ्रूट भी मार्को के फ्रूट जैसा है, मतलब जवान फ्रूट विद लोगे एंड पैरामिसिया प्रॉपर्टीज़, और ये जो रबर पावर्स आज तक लूफी यूज़ कर रहा था ये शायद से ही तो हितोनोमी निका का ही स्पेशल एबिलिटी है, जैसे बाकी मिथिकल जवान्स की एक पर्टिकुलर स्पेशल एबिलिटी होती है ना, लाइक काइडो का बुरो ब्रेथ, यामाटो का आइस वाला अटैक्स, मार्को का हीलिंग फ्लेम्स, वैसे ही लूफी का रबर बॉडी है शायद से, मतलब लूफी के फ्रूट का रबर बॉडी है शायद से, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक लूफी अपने एक्चुअल फ्रूट का स्पेशल एबिलिटी को मास्टर करते आ रहा है, शायद क्योंकि खुद ही तो नोमी ये चाह रहा था। और हाँ, गोरोसेस ने जो बोला ना उसके हिसाब से आई गेस सिर्फ जवान फ्रूट्स का ही खुद का विल है, क्योंकि अगर ओवरऑल हर डेविल फ्रूट का खुद का विल होता तो फिर अमिताभ बच्चन वाला गोरोसे बोलता कि डेविल फ्रूट्स का खुद का विल होता है, बट उसने स्पेसिफिक जवान फ्रूट्स के बारे में बोला। अगर डेविल फ्रूट का खुद का विल होता तो एटलीस्ट वो किड और लॉ का अवेकनिंग एक्सप्लेन कर देता, बट कोई नहीं। आई एम टू मच क्यूरियस अबाउट, मतलब टू मच सही वर्ड है बट ठीक है, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग एक्चुअली पता है, कि जवान फ्रूट्स का ही क्यों बस खुद का विल होता है, और अब जाके ऐसा क्या हुआ कि लूफी का फ्रूट ने अवेकन होने का डिसीजन लिया, आई वॉन्ट टू नो दैट। बट एक और चीज़ ठीक है, अगर जवान फ्रूट्स का खुद का विल है
इसका मतलब ये भी हुआ ना कि काइडो के फ्रूट का भी खुद का विल होगा। तो क्या अब दो अवेकंड मिथिकल जोन्स का फाइट देखने मिलेगा अपने को? कहीं इसलिए काइडो तो जॉबे को नहीं ढूंढ रहा था? मे बी ही वॉन्टेड टू अवेकन हिज फ्रूट फॉर सम रीज़न एंड नाउ ही एक्चुअली गॉट द रीज़न। सामने वाले का फ्रूट अवेकंड है तो हो सकता है कि काइडो का फ्रूट इसी रीज़न से अवेकन हो जाए। भाई एक मिस्ट्री सॉल्व हुई तो और बहुत मिस्ट्रीज बन गई है भाई। भाई ओडा की स्पेशलिटी। आई होप कि लूफी का ये जो कुछ भी हुआ है इसका एक मस्त एक्सप्लेनेशन ओडा दे, वरना आई हैव टू कंसिडर दिस फाइट एज रश्ड टू, जस्ट लाइक किंग एंड जोरोस फाइट। उस फाइट से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को एक मस्त एक्सप्लेनेशन मांगता है। सेम गोज फॉर दिस फाइट। गियर 5 अवेकनिंग फ्रूट रिवील सब ओडा ने एक ही चैप्टर में बता दिया है। दिस इज इंडीड अ बिग स्टेप। अभी के लिए मैं इसको रश्ड फाइट बोलेगा क्योंकि इस चैप्टर को देख के सेम फीलिंग आ रही, ऐसा लग रहा है कि काइडो अगले चैप्टर में हारने वाला है, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फॉर नाउ आई से दिस चैप्टर वॉज अ ठीक ठाक चैप्टर विद बिग रिवील्स। ये चैप्टर से हद लेवल बड़े बड़े थ्योरीज बनने वाली है, ये तो पक्का है। वैसे इस चैप्टर में जोरो बिल्कुल नहीं दिखा है, तो आई एम क्यूरियस टू सी हाउ ही इज डूइंग टू। और आई गेस नेक्स्ट चैप्टर में लूफी के फ्रूट के बारे में थोड़ा और डिटेल्स पता चलेगा, एंड आई सीरियसली वॉन्ट द डिटेल्स। ठीक है, मुझे और डिटेल्स जानना है लूफी के फ्रूट के बारे में। एंड दैट इज इट, वीडियो होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है आई गेस, अभी दो चैप्टर के बाद सीधा ब्रेक होने वाला है शायद से, शायद। ठीक है, वैसे तुम्हें इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा टू टेल मी इन कमेंट्स। मुझे वो रिवील कुछ इतना नहीं लगा, बट हाँ वो जो लूफी ने सांप बना के मारा ना काइडो को, दैट वॉज सीरियसली फनी। और इस चैप्टर की बातें इस वीडियो तक ही रखो, और नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स रीड करने के बाद इस वीडियो के या फिर कोई और वीडियो के कमेंट्स में ज्ञान चोदते मत बैठ जाना, कसम से बैन कर दूंगा तुमको मैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स भी अपने तक ही रखना, ठीक है। और अगर इतना ही तुम हॉर्नी हो जाते हो स्पॉयलर्स रीड करने के बाद, तो ओहारा जैसे लोगों के चैनल में जाके हरकतें करो, उधर का ओनर ही सबको स्पॉयल करता रहता है, तो उधर जाके मस्त दिल खोल के स्पैम करना, इधर मत आना। ठीक है, इधर आए तो बैन, सीधी बात। और भाई प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू स्पॉइल मी। एंड ये चीज़ याद रखना कि भाई एनमे ओनली वाले लौंडे भी हैं बहुत सारे, एंड ऐसे लौंडे भी हैं जो कि स्पॉयलर्स रीड करना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है भाई, तुम अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो, तुम्हारे चक्कर में भाई लोगों का पूरा मजा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो तुम हगना बंद करो सीधी बात। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, मुझे इस चैप्टर में कुछ भी गूज़बम्प्स वाला चीज़ नहीं लगा, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से चैप्टर लास्ट चैप्टर के हाइप जितना वर्थ नहीं था। बट लेट्स वेट, आई माइट चेंज माई ओपिनियन आफ्टर रीडिंग अपकमिंग चैप्टर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू चेंज माई ओपिनियन। एंड बस हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう。